नमस्कार दोस्तों, जन सरोकार मंच की फेसबुक लाइव श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप आप सभी के साथ में एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा के लिए हाजिर हूँ। मेरे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ललिता जी जुड़ी हुई हैं। ललिता जी अजीम प्रेम जी विद्यालय में भाषा शिक्षण में विगत 10 वर्षों से काम कर रही हैं। छोटे बच्चों के साथ इनके अनुभव काफ़ी प्रशंसनीय और सराहनीय रहे हैं। आज ये हमारे साथ उन्हीं अनुभवों को साझा करेंगी और जैसा कि शीर्षक से जाहिर है, आज की चर्चा गुनगुनाती कविताओं यानी उन सुंदर कविताओं के इर्द गिर्द घूमेगी जिन पे इन्होंने कक्षा में काम किया है। आप सभी जानते हैं कि कक्षा में बच्चों को कविताएं सुनना, सुनाना और कविताएं निर्माण करना, जी हाँ, कविताएं बनाना भी उन्हें उतना ही पसंद होता है जितना उन्हें सुनना और बोलना। तो स्वागत है ललिता जी आपका इस फेसबुक लाइव श्रृंखला में। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ जन सरोकार मंच की श्रृंखला में। जैसा कि कुलदीप जी ने बताया कि विगत 10 वर्षों से मैं अजीम प्रेम जी स्कूल में कार्यरत हूँ और भाषा ही नहीं, केवल भाषा के साथ साथ मुझे अन्य विषयों में भी काम करने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला और उसी लगन के साथ में मैंने उन विषयों को भी जानने समझने की कोशिश करी जितना मैं भाषा में काम कर पाई हूँ, जितनी मैं समझ रख पा रही हूँ अभी, और सीखना मेरा जारी है। जैसा कि आज का जो विषय रहा गुनगुनाती कविता, उसको पीछे चुनाव का भी मेरा एक कारण रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ खास तौर पर कविताओं के साथ जब काम किया जाता है तो बहुत ही आनंद आता है, तो अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर विषय है और जैसा कि कविताएं गुनगुना, जैसे मैंने शुरू में कहा, बच्चे बूढ़े जवान किसको पसंद नहीं होता। गुनगुनाती कविताएं, जैसे मैं मेरी बात करूं तो कुछ ऐसी छोटी छोटी कविताएं हैं जो हमारी जुबान पर चढ़ी हुई रहती हैं और हम बातचीत के दौरान या जब भी खाली समय होता है तो उनको गुनगुना करके और हमें बड़ा आनंद आता है। तो सबसे पहले इस विषय के बारे में बताइए कि गुनगुनाती कविताएं विषय ही क्यों चुना, क्योंकि विषय तो भाषा में बहुत हैं, लेकिन आपने कविताओं को ही क्यों चुना? उसके पीछे भी कारण रहा कुलदीप जी। एक्चुअली जो पूरा हमारा पिछला जो दौर गुजरा है या गुजर भी रहा है, हम नहीं कह सकते वो ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से। कोरोना काल में अब सरकारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खुल रही हैं, कुछ खुल चुकी हैं कक्षाएं और कुछ खुलने वाली भी हैं। तो इस दौरान मैंने सोचा कि जब बच्चे आएंगे, खास तौर पर जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि 1st to 5th भी ओपन हो रहा है, तो जब बच्चे आएंगे हमारे यहाँ पर स्कूल में, तो वो सिर्फ पाठ्यचर्या में ना बंध जाएं कि पाठ एक पढ़ेंगे पाठ दो पढ़ेंगे, पहले शुरुआत की जाए कुछ गुनगुनाती कविताओं से। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज का जो विषय है इन कविताओं के इर्द गिर्द ही रखा जाए, कैसे एक कविता से बच्चों को सहज वातावरण मिल सके, कैसे गुनगुनाते गुनगुनाते वो सहजता ले लें, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद स्कूल आएंगे। तो बिल्कुल बहुत सुंदर जैसा आपने बताया। और मैं एक बात कहूँ कि भाषा कोई भी हो, उसमें जब उसमें पद्य का भाग जुड़ता है तो उसमें बच्चे भी आनंद लेते हैं, और जब कक्षा से बाहर निकलते हैं तो मैंने कई बार देखा है आपकी कक्षा से बच्चे बाहर जा रहे होते हैं और झुंड में कुछ कविताओं को वो गुनगुनाते रहते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं में विशेषकर बातें करें तो उन कविताओं के महत्व को आप भाषा शिक्षण में किस तरीके से देखती हैं, हमें बताएं प्लीज। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं और कई अगर मैं बात भी करूं अपने अनुभव की, तो मैं उसको सबसे पहले जोड़ना चाहूँगी कि वर्कशॉप्स के दौरान और बातचीत के दौरान या संदर्भ व्यक्तियों के द्वारा मुझे जो भी प्राप्त हुआ, जो भी मैंने सीखा उनसे, वो मैंने अप्लाई करना चाहा सोच विचार कर कि ये किया जा सकता है और ये नहीं किया जा सकता, उनमें से एक कविता भी रहा है। और कविता क्यों बांधे रखती है, इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ जो मैं अपनी कक्षा में देख पाती हूँ वो है कि कविताओं में लय होती है, कविताओं में ताल होती है, एक रिदम होता है जो बच्चों को बांधे रखता है और वो रिदम उनको जोड़ता है। और जब कोई चीज़ हमें जोड़ती है तो वो अपनी बन जाती है, और जब वो अपनी बन जाती है तो जैसा आपने कहा कि वो कॉरिडोर में जा रहे हैं या कहीं पर भी इधर उधर जा रहे हैं या खेल के दौरान या कुछ वो अपना कुछ कर रहे हैं, तो वो जुबां पर होते हैं, वो गुनगुनाते हैं उन चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जब कविताओं का जो रिपीटेशन, कविताओं में जो शब्दों का रिपीटेशन होता है, वो बच्चों को बांधे रखता है, थोड़ा उनको सहजता प्रदान करता है कि वो उसको समझ रहे हैं, तो उनको अपना पन सा लगता है कि हाँ ये मुझे समझ आता है, ये कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ता है। तो
अच्छा लगता है। बिल्कुल। और कविताओं को जब कक्षा में बच्चों के साथ हम काम करते हैं तो उसको चुनने के पीछे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कविताएं होती हैं और लाइब्रेरी की पुस्तकों का महत्व जो है उसमें अतुलनीय है, तो जब हम कविताओं का चयन करते हैं तो उसमें किस तरीके के मतलब आप आधार लेते हैं कि ये कविताएं इन बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है? एक तो लेवल के अप्रोप्रिएट हो सकती है बच्चों के, एक कक्षा स्तर के अनुरूप हो सकती है, और दूसरी बात, एक मुख्य बात जो है वो बच्चों को आनंद भी आना चाहिए, क्योंकि भारी भरकम कविताओं को हम प्राथमिक कक्षाओं में तो नहीं रख सकते। तो आप जब कविताओं का चयन करती हैं तो आपके लिए वो आधार क्या होते हैं जो उसको आप उन कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानते हैं? यहाँ अगर मैं बात करूँ, जैसा आपने कहा कि वो आनंद देती हैं, तो आधार, पहला आधार यही समझा जा सकता है कि कविताएं मज़ेदार होनी चाहिए, जो हमें एक फील कराती हैं, एक आनंद देती हैं, जो जोड़ती हैं। दूसरा आधार हो सकता है कि उसमें कल्पनाशीलता की जगह हो, जहाँ बच्चों को सोचने समझने की, कल्पना करने के मौके मिल सके, उन्हें आगे बढ़ाने की, या कुछ शब्दों को कुछ शब्द रखकर, कुछ नया तोड़ मरोड़ कर कुछ नया बनाने के मौके नई मिलते नई हों, कविताएं नई नई जी कविताएं रचने के मौके मिलते हों। और वो ऐसे नहीं कि ये बहुत आदर्श रूपे के ऐसे ही कुछ होता है, वो अपने नए शब्द डालें, फिर कुछ उससे खेलें और कविताओं का निर्माण करें। तो मज़ेदार होने चाहिए, उनमें कल्पनाशीलता के लिए जगह होनी चाहिए। और इसी के साथ में अगर हम बात करें कि एक यहाँ पे एक मैं संदर्भ देना चाहूँगी प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी का, जिन्होंने बच्चे की भाषा और अध्यापक में बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से एक समझ स्थापित करने की कोशिश करी है। और अगर हम भाषा शिक्षक होने के नाते अगर उसे एक बार देखते भी हैं और फिर धीरे धीरे रिपीटेडली उसको रिकॉल भी करते हैं, अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया उनसे जोड़ते भी हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, मैं ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने उसमें से बहुत कुछ करके भी देखा है, कैसे कल्पनाशीलता को, हाथी वाली जो कहानी है और वो सब ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आनंद देती है कि आधार ये होना चाहिए कि मज़ेदार हो, कल्पनाशीलता हो उसके अंदर। तो हाथी वाली कविताएं जैसे आप बात कर रही हैं, मेरे बेटे को बहुत वो बहुत पसंद है और वो बार बार उसको गुनगुनाता रहता है। आज ही की बात है कि बच्चों के साथ काम करने के दौरान कुछ बच्चों का समूह था जिन्होंने अपने एक छोटी सी कविता की प्रस्तुति दी, मुझे बड़ी सुंदर लगी और मैंने कई बार उनको कक्षा से बाहर जाते या कक्षा में भी कई बार आपकी कक्षा से बहुत बार आवाज़ें आई है जिसने मतलब पूरी स्कूल का माहौल जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो क्योंकि मैं सोशल साइंस से जुड़ा हुआ हूँ, ईवीएस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो उस कविता से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता हूँ और आप अच्छे से जानती होंगी उस कविता को, जैसा मौसम चल रहा है, मानसून का सीजन चल रहा है और बादल घिर आते हैं, आ रे बादल का रे बादल आओ जरा झूम के, बच्चों को तो बहुत पसंद चाहते है। हैं कि आप मतलब आप हमारे दर्शकों को जरूर वो कविता जो है वो साझा करें। हाँ बिल्कुल, वो मतलब बहुत कविता है जो बच्चों के साथ साथ मुझे भी याद हो गई हैं हमें भी हो गई जी बिल्कुल आपको भी हो गई हैं। उसका कुछ अंश मैं जी सुनाती हूँ। अरे बादल कारे बादल आओ जरा झूम के, अपने संग ठंडी हवा लाओ जरा झूम के। जैसा मैंने कहा रिपीटेशन होता बिल्कुल है तो बिल्कुल जुड़ते हैं। अच्छा आरे बादल बारे बादल आओ जरा झूम के, अपने संग ठंडी हवा लाओ जरा झूम के, दूर कहीं आसमां में तारे टिमटिमाए, मेरा मन धीरे धीरे वहां चला जाए। सुनो रे धरती सुनो रे गगन सुनो रे पवन, सुनो रे धरती सुनो रे गगन सुनो रे पवन, आरे बादल काले बादल आओ आओ जरा जरा झूम झूम के, के, अपने अपने संग संग ठंडी ठंडी हवा हवा लाओ लाओ जरा जरा झूम झूम के, के। जी लाओ जरा झूम के। इसमें हाव भाव का भी बहुत महत्व है ना, कि बिल्कुल उस, क्योंकि जब हम बात करते कि नीरसता नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे उंगली भर पढ़ने से या सिर्फ कह देने से आरे बादल काले बादल ऐसे नहीं चलेगा। आरे बादल काले बादल आओ जरा झूम के, अपने संग ठंडी हवा, तो वो जोड़ता है बच्चों को। और एक शिक्षक जब इस चीज़ से जुड़ता है तो बच्चे अपने आप एक मतलब एक माहौल बन जाता है कक्षा में और बच्चों को आनंद आता है। मैं छोटा था तो कई बार ऐसा होता था कि कक्षा के एक एक ही बच्चे को जो जिसकी आवाज़
ठीक होती थी, ऊंची आवाज होती थी। तो स्कूली दिनों में होता क्या था कि शिक्षक जो थे हिंदी के, वो कई बार कह देते थे कि आज ये कोई कविता आते ही उनके पाठ्य पुस्तक में उसे कह देते थे कि ये इस कविता को गा करके सुनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कक्षा के और भी बच्चे हैं जिन्हें उससे जोड़ना चाहिए था, और वो वहां तक सीमित हो जाता था कि एक बच्चा गाता था और उसको बच्चे, दूसरे बच्चे जो है उसको रिपीट करते थे बच्चे दो बच्चे। आप कक्षा में काम करने के दौरान किस तरीके से इन चीजों को देखती हैं? क्योंकि क्योंकि कक्षा में काम करने के दौरान सिर्फ एक ही तक, एक बच्चे तक ही सीमित रह जाना जो है वो संभव नहीं है। कैसे सभी बच्चों का उस कविता से जुड़ाव हो, इसके लिए आप क्या करती हैं? क्योंकि तुकबंदी मात्र कविताएं नहीं है, उसके अर्थ को समझना, उससे जुड़ना। और मैंने आपके देखा है कई बार बच्चे नई कविताएं भी बनाते हैं, और एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और काफी सुंदर सुंदर कविताएं जो हैं वो कक्षा के प्राथमिक स्तर के बच्चे जो हैं वो बना करके लाते हैं। तो उसके बारे में जरूर बताएं। अभी पिछले ही दिनों का कुछ अनुभव रहा है, जब हमने फेस टू फेस बच्चों के साथ पॉकेट्स में काम करना शुरू किया कोरोना काल के दौरान, और पहले के भी अनुभव रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ किसी एक या दो बच्चे नहीं, हमारी क्लास में मौजूद जो भी बच्चे हैं वो सभी कैसे कविता में इन्वॉल्व होते हैं, और छोटे समूह में या बड़े समूह में कैसे वो कविता गा पाते हैं या नहीं गा पाते हैं, उसके पीछे के क्या कुछ कारण भी होते हैं। पर मेरी अपेक्षा होती है कि सभी बच्चे झूमें नाचे गाएं और कविता बोलें, और ये अपेक्षित भी है। तो पहला तो ये होता है कि बच्चे याद ना करें, अगर बच्चे को उसका अर्थ समझ में आ रहा है, वो बच्चों से उस कविता से जुड़ाव रख पा रहा है, हाव भाव के साथ में उससे जुड़ पा रहा है, तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा इसे याद करके लाना है। तो रटने वाली कोई चीज़ वो नहीं है, अपने आप उसे अपने आप उसके जी जहन में जाती है, उसे हाव भाव के साथ में वो अपने आप अपनी याददाश्त में उसे शामिल करता है, उसके जहन बिल्कुल में बिल्कुल रखता है, और उसे वो अपने आप याद हो जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर, एक एक लाइन आपको रटनी है। जी इसका एक उदाहरण अभी एक सेकंड क्लास के बच्चों का ही है। एक बड़ी कविता है अगर हम देखें तो, उसे छोटे से बड़े कैसे वो एक इतनी बड़ी कविता और बच्चों को 5 से 6 दिन में अंदर अंदर तक आ चुकी है, मतलब उनको बहुत अच्छे से आ चुकी है। किस कक्षा में? छोटी सेकंड कक्षा में? क्लास, अरे सेकंड वाह, क्लास में लगभग 1.5 पेज की कविता है और वो बहुत अच्छे से उनको आ गई है, वो छोटे से बड़े उसको गाते हैं, उसको समझते हैं। उसको गाते हैं, समझते भी हैं, और उसके पीछे हमारे हाव भाव, उसकी लय ताल और उसके जो करने के तरीके होते हैं वो बहुत मदद करते हैं बच्चों को। तो ये कविता एक बार हम चाहेंगे कि एक बार पहले सुन लेते हैं, क्योंकि शायद हम फिर तब तुलना कर पाएंगे, तब उस चीज को देख पाएंगे कि ये किस कक्षा के बच्चे, क्या दूसरी कक्षा के बच्चे, क्या हम मानते हैं क्या कि ये उस लेवल तक उस कविता को याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप जरूर हमें वो कविता एक बार बताएं। बिल्कुल, तो यहाँ रटने वाला मामला नहीं है, जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि कैसे वो इंटरलाइज करते हैं और उनको आ जाता है उनकी। तो इस कविता का नाम है छोटे से बड़े। एक दिन बोली मुझसे नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी, एक खेत बिन जुता पड़ा था, ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था, कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर, हवा डराती धूप जलाती मिट्टी उसको खूब दबाती, मिट्टी की गोदी में रहकर सूरज की किरणों में पलकर, कहा धूप ने हाय अकेला, पर ना डरूंगा भले अकेला, कुछ दिन बीते अंकुर फूटे, कोमल कोमल पत्ते फूटे, बीज बन गया पौधा प्यारा, हरा भरा लहराता न्यारा, पौधे से बड़ पेड़ कहाया, दूर दूर तक फैली छाया, बस जितने भी बड़े बने हैं छोटे से बड़ बड़े बने हैं। ऐसा लगता है काफी ना बड़ी कि कविता हाँ, मतलब है। बच्चों के हिसाब से हम देखें, और हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि इसको एक एक उंगली रख के नीरसता के साथ इसको याद करना या कुछ करना। अगर हम उसको अपनी कक्षा कक्ष में शामिल करते हैं, उनको कहा कविताओं को हाव भाव के साथ सुनाते हैं, तो बच्चा अपने आप याद हो जाती है, उनको कहने की जरूरत ही नहीं है, प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। तो आपने जो कविता सुनाई है अभी छोटे से बड़े, इसमें कई शब्द ऐसे भी हैं जो लगता है कि क्या, क्योंकि कविताओं में कई तुकबंदी को आधार मानकर कई बार ऐसे शब्द भी जोड़े जाते हैं जो हिंदी भाषा के काफी जटिल शब्द होते हैं, या क्लास के अप्रोप्रिएट वो लेवल के हिसाब से जो है वो उन चीजों से बच्चे अनजान होते हैं। जैसा आप बात कर रहे हैं कि कक्षा 2 में इस कविता पे आपने काम किया, तो कुछ शब्द ऐसे मुझे लगे कि क्या अंकुर जैसे शब्द को क्या वो समझ पाए होंगे, और ऐसे शब्दों को अगर आप बच्चों को अर्थ सहित समझाना है तो आपके प्रयास क्या रहते हैं कक्षा में? अगर मैं इसी उदाहरण की बात करूं जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं,
छोटे बच्चों के साथ, वो अंकुर वाला शब्द, एक क्योंकि शिक्षक, अंकुरण एक हाँ ऐसी चीज है जो तुरंत नहीं होता। हम किसी उदाहरण को ला करके, कोई कॉन्क्रीट उदाहरण ला करके दिखा नहीं सकते कि ये अंकुरण है। तो इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस पे जाना होता पड़ता ही है, क्योंकि ईवीएस में काम करने के दौरान जब हम कक्षा 4 में होते हैं तो हम इस पूरी प्रक्रिया को बहुत दिनों तक करके देखते हैं, तब वो बच्चा उस पूरी प्रक्रिया को समझता है कि बीज से पौधा बना, बीज से बना पौधा विषय पर जब बात करते हैं तो कैसे वो बीज से पौधा बनता है। तो हम ईवीएस में बहुत लंबा समय उस पर बिताते हैं, तो भाषा में उसको, क्योंकि आपके पास समय की बाउंडेशन भी होती है, तो उस उन चीजों को समझाने के लिए आप क्या करती हैं? और कहीं ना कहीं हम बात करें लर्निंग आउटकम्स की, तो वो भी भाषा और पर्यावरण एक को, दूसरे से हाँ, तो पर कहाँ हम दोनों को जोड़ सकते हैं जी और कहाँ हम सिर्फ बाउंडेशन ना कर दें कि ये तो सिर्फ भाषा वालों का काम है या ये सिर्फ पर्यावरण वालों का हाँ काम है, ऐसा नहीं। बिल्कुल अगर वो हमारे पास मुद्दा आया है उसी दौरान, तो हम क्यों ना उसको एज ए टीचर एड्रेस करें। एक तो ये होता है कि हम उसे छोड़ दें कि हाँ कुछ होता है, और वर्बली उनको बता दें कि ऐसा कुछ होता है, और वो चना होता है या फिर जो भी बीज होता है उसमें से, या तो एक प्रक्रिया ये होती है। दूसरी जो मुझे सडनली आई, वो मैंने करके देखा, पर्यावरण शिक्षक होने के नाते मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे लगता है कि बच्चों को उससे रूबरू करवाना करवाना चाहिए। चाहिए। तो हमने जब कविता पे काम किया, कुछ किया, तो जब बातचीत हुई तो वो अंकुरण वाली, अक्सर बच्चे अपने आम बोलचाल की भाषा में, बाद में मुझे ये पता चला, फूटना बोलते हैं कि जी मूंग फूट गई या चना फूट गया। अच्छा तो कैसे हम ये भी तय करें कि कैसे एक जो निश्चित शब्दावली है, मानक शब्दावली है, कैसे वो बच्चों तक जाए या उसके अर्थ कैसे जाएं, और वो भी सहज रूप से। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा वो जो मटकी होती है वो ली, छोटी सी, वो बच्चों के यहाँ से मिट्टी का मिट्टी का, कुल्लड़, हाँ वो सकोरा कुल्लड़ सा, सकते हैं, कुल्लड़ हाँ सकोरा कुल्लड़, इसे अपनी हाँ भाषा में हाँ जी अपनी भाषा में। तो बच्चों ने कहा कि हमारे घर में है, तो हमने कहा ठीक है हम लाएंगे। हम लाए, फिर मिट्टी भी है, हम मिट्टी भी लाए, और चने भी हैं, हम चने लाके, अच्छा ठीक है, बीज के बारे में हमने कहा कि किस किस के बीज आपके घरों में उपलब्ध होंगे, जी क्योंकि सब बमूर गांव की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे चने के बीज भी हैं, मूंग के बीज भी हैं, चोले के बीज भी हैं, सब बीज हैं। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग बीज लेकर आए, तो तीन बच्चे जो लाए, मैं प्रमुखता बात करूँ तो चने की, चौले की और मूंग की दाल की। जी तो वो हमने क्या किया, मिट्टी को थोड़ा सा पानी में घोलकर, और उन्हीं के सामने हमने, चलो हम इसमें डालते, उसमें क्या था, चिड़िया, हमने बात कर रहे, चिड़िया डाल कर गई, चलो अब हम डाल देते अरे हैं, वाह इंटरेस्टिंग हमने कहा वो क्या चिड़िया डाल कर गई थी, अब हम डाल जी देते हैं। तो फिर वहाँ पे एक अलाइनमेंट हमने बाद में भी जोड़ा था कि कैसे जो जंगल और ये सब हुआ है, कि सिर्फ चिड़िया पक्षी करेंगे या कोई और भी, अंकुरण को भी आपने इस हिंदी अंकुर भाषा में जोड़ा, प्रसरण अंकुर मतलब इस विषय को मैंने जोड़ा, ये वाली किस चर्चा तरीके हमने से होता बाद है, में बीज एक करी, जगह से हाँ जी एक तरह से जी कैसे होता है। पर उससे पहले हमने जब अंकुर की बात करी, तो हमने बात करी कि उसमें तो कुछ दिन बीते, अंकुर फूटे, कैसे फूटे, चलो हम इसको देखते हैं। हमने ये डाल दिया बीज, चिड़िया की जगह हमने उसमें डाल दिया, फिर उसको हर दिन ऑब्जर्व किया, फिर उसमें कहा था धूप जलाती, हवा दबाती, धूप जलाती, मिट्टी उसको खूब, बिल्कुल क्या क्या ज़रूरी है इसको, तो हुआ अच्छा मौसम भी बदलते हैं ना, तो फिर उन्होंने कहा पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, मिट्टी जी तो सूखी रह जाएगी, कैसे बढ़ेगा, अच्छा तो मैं क्या डालें, मतलब पानी भी डालते हैं, बारिश आएगी ना, ठीक है। तो हमने उसको ऐसा कर दिया, तो धूप भी, हवा भी, पानी भी और मिट्टी मिट्टी भी, तो फिर बाहर रख दिया। अगले दिन फिर देखा बच्चों ने, दीदी वो है ना गीला हो गया, उसको मैंने क्या किया था, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा जल्दी रिजल्ट के लिए थोड़ा मिट्टी को पतला कर दिया था अच्छा और उसमें डाल दिया था, ठीक, नमी के कारण नमी जल्दी के अंकुरण नमी के थोड़ा कारण, हाँ। जी तो फिर वो थोड़ा गीला सा हुआ, थोड़ा आधा ऊपर आ गया मिट्टी के, क्योंकि वो थोड़ा नीचे, फिर तीसरे दिन उसमें वो फट गया, तो दीदी फूट गया ये अच्छा था, फूट गया हाँ। और चौथे अंकुरण दिन उसमें थोड़ा वाइट वाइट सा ऊपर आ गया, जी ये अंकुरण शुरू हो प्रक्रिया थी गया अंकुरण की, जिसे उन बच्चों ने देखा। फिर नेक्स्ट डे जब उसमें हुआ ना, नेक्स्ट 2 दिन जी बाद, तो उन्होंने कोमल कोमल पत्ते फूटे, वाह ये कोमल वो भी कोमल समझे पत्ते, हाँ बीज बन गया पौधा प्यारा। तो वो इतना बड़ा हो गया चने का, तो अब वो पौधे से पेड़ तो नहीं होगा, बट वो वहाँ तक कि बिल्कुल एक ठीक है अंकुरण को वो सीख पाए हैं। आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें पर्यावरण शिक्षक से बात करके मैं जी अपनी खुद की समझ आप समय समय बनाऊंगी। पर इस तरीके के प्रयोग करती भी रहती हैं, और कक्षा में सिर्फ एक विषय तक ही सीमित न होकर के आप कई बार इस तरीके के विषय पर दूसरे शिक्षकों को भी चर्चा के लिए बुलाती हैं। मैं खुद आपकी कक्षा में कई बार जुड़ा हूँ, जो भूगोल से संबंधित कोई विषय आता है तो उस बारे में हमने कई बार बात की है। तो
लेकिन एक बहुत अच्छा आपने एक प्रयोग करके देखा, बच्चों के साथ जुड़ाव बनेगा उनका, और पर्यावरण शिक्षक को आगे जो है वो मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि आप पहले कर चुके मेहनत तो हो। दोनों को ही करनी होती है, पर कैसे हम शिक्षक साथी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अपना सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये बच्चों की लर्निंग्स में ही मददगार होता है, साथ अपने अपने लिए भी बेहतर होता है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर आपका उदाहरण लगा। अब एक एक चीज जो मुझे लगती है कि इस पे भी बातचीत की जानी चाहिए, मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो उनकी पाठ्य पुस्तक में हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ से मतलब, मैं कई बार जैसे मैं एक उदाहरण से शायद बेहतर समझा पाऊंगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, 100 में निकला धागा चोर निकल के भागा, यहाँ पर तुकबंदी है, लेकिन वो अक्कड़ बक्कड़ में सोचता हूँ कि क्या अर्थ निकलता होगा। तो कुछ बिना मतलब के भी शब्द होते हैं और कई ऐसे शब्द होते हैं जिनकी जैसे आपने बातचीत की अभी और इस तरीके के उदाहरण हो सकते हैं, तो इनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बच्चों के प्रश्न जरूर आते होंगे कि दीदी ये अक्कड़ का मतलब क्या होता है, बक्कड़ का मतलब क्या हो सकता है, तो इस तरीके की चुनौतियों को आप कैसे देखती हैं बच्चे? ये एक तो चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि कुछ स्थानीय शब्दावली हैं जो बच्चों की उससे आती हैं और वो क्षेत्र विशेष होती हैं, है ना। तो कई शुरुआत में मुझे थोड़ा चैलेंज लगा था जब मैं आई थी जो लोकल भाषा में, बट धीरे धीरे मैं समझने लगी। पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत आम तौर पे खेला जाता है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मतलब 80 90 नब्बे पूरे शब्दों सौ से सौ में, परिचित होते हैं कई बार। हाँ। जी तो कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका कुछ मतलब भी होता है, कि कई बार वो सिर्फ उसमें जुड़ जाते हैं, है कविता को ना। बनाने हाँ, के लिए कविता कुछ को वर्ड लग बनाने के जाते हैं। लिए कई खेल हैं ऐसे स्थानीय खेल, और बच्चे खेलते भी हैं हाँ, वहाँ बोल पर, बोलते हैं करते हैं। बहुत सारे हैं। मतलब वो दातली कषाण की हाँ रज को बिल्कुल, काचे मुझे जाण यही याद आ की, रही थी। हाँ दातली हाँ कषाण की रज को काचे जाण हाँ की, बिल्कुल बिल्कुल तो उनका हालांकि कुछ मतलब होता होगा स्थानीय रूप में बहुत, जी। और कई बार नहीं भी, तो उसके बारे में इतना डीपली तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट स्थानीय रूप में उनका कुछ ना कुछ हाँ तो लगा। पर ये बिल्कुल, अक्कड़ बक्कड़ जैसा तो नहीं, अक्कड़ वक्कड़ हाँ एक इस तरीके से उसमें खेल। जोड़े जा हाँ सकते। तो एक चीज और है कि जैसा आपने अभी बात की दांतली कशान की, हमारी स्कूल के बच्चे जो है इस कविता को, क्योंकि उनके क्षेत्र में इस तरीके की कविता, और ये बहुत लंबी है और इसको जोड़ा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और उन्होंने कई बार बढ़ाया भी, और उसमें उनके जो अपने स्थानीय शब्द हैं वो उसमें समाहित होते हैं। ऐसी कोई मतलब इस तरीके के कोई एक कोई उदाहरण अगर आपको याद आ रहा हो जिसमें स्थानीय भाषा का पुट जो है वो ज्यादा मिलता हो, ऐसी कोई कहानी अगर आपको याद आ रही है, वो कविता याद आ रही है, तो वो जरूर हमारे साथ साझा करें, या कोई कोई उदाहरण हो सकता है जिसके बारे में, क्योंकि मैंने इस वाली कविता के द्वारा जो गांव में काम करने वाले लोग हैं, विभिन्न तरीके के काम धंधे जो हैं, उस पर चर्चा के दौरान इस कविता को करके देखा, और ये काफी मददगार साबित हुई। कोई ऐसी कोई कविता अगर आपको याद हो तो जरूर हमारे साथ साझा करें। पोषम बाबा, पोषम भाभी एक कविता हाँ है ना, वो पोषण भी एक खेल भाव, के रूप में है ना, हम हाँ बच्चों के साथ खेलते हैं ऐसे खेलते हाथ हैं। करके। पर जब जहाँ हम बात कर रहे हैं शब्दों के जोड़कर कुछ बनाने की, कुछ उसकी, तो वहाँ मुझे कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता दिखाई देती है। तो कई बार तो वो नई पंक्तियाँ बुनते हुए दिखाई देते हैं, और कई बार वो कुछ शब्दों का फेरबदल करके कुछ नई चीज़ें बना रहे होते हैं। जैसे कि हम बात करें, बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे न, न, हम तो सो रहे थे, हमें मुर्गे ने हाँ जगाया। जी अगर मैं इसको ऐसे सुनाऊं तो वहाँ पे जानवरों का आवाज़ और जानवर का नाम होता है, और वो उसको बदल बदल के अपने तरीके से बोलते जाते हैं। बोलते जाते जैसे हैं, हम बात करें, हम तो सो रहे थे, हम हम तो तो सो सो रहे थे, रहे थे, हमें मुर्गे ने हमने जगाया, जगाया। बोला कुकड़ुकू कुकड़ुकू कुकड़ुकू। तो ऐसे पूरी रिदम चलती जाती है, और वहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ पे, पर वहाँ पे अर्थ है, वहाँ है। जहाँ हम बात कर रहे हैं अक्कड़ बक्कड़ पोषम भाभी पोषम भा, तो ये एक कैसे हमारी भाषा का हिस्सा बने, ये मुझे भी जानने की ज़रूरत होगी, जैसा कि आपकी तरफ से सवाल आया है। बट जहाँ हम बात करते हैं, जिन कविताओं पे हमने काम किया है, वहाँ कहीं ना कहीं एक बच्चों को समझने के मौके होते हैं। और दूसरी कविता अगर मैं कहूँ कि अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने सुनी थी, बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई थी, अरे यही थी पास में चूहे की तलाश में। तो बच्चे जोड़ते गए थे, गाय ओ गाय कहाँ गई थी, अरे यही थी पास में
घास की तलाश में, आप में चाहे तो एक पंक्ति बिल्कुल और जोड़ सकते। मैंने तो जोड़ दी। हाँ, तो ऐसे बच्चों को बहुत सारे जो शब्द हैं और फिर उनका तालमेल, जी जैसे गाय का घास से तुकबंदी उसके साथ, तुकबंदी हाँ अलग चीज है, पर एक तालमेल कि गाय का अच्छा घास ठीक बिल्ली का चूहे से, है सुमेलित ना। करवाना जिस हाँ, तरीके के तो शब्द, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बच्चे सोचते हैं और फिर उसमें अपना एक जो भी योगदान हो सकता है तो वो ये तो देते एंडलेस हैं। कविता हो सकती है, इसमें बच्चे एंडलेस जोड़े हो सकती है। जाएं, बढ़ती हाँ, ऐसी जाएं। और भी कविताएं हम अगर खोजना चाहें तो, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, तो आप उसके शब्दों को हेरफेर कीजिए और नए शब्द डालिए तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। वो खुद बनाते हैं तितली बनकर क्या करेंगे, फिर इधर उधर बगीचे में घूमेंगे, तो वो लय के साथ रिदम के साथ में जोड़ते जाते हैं और वो कविता आगे बढ़ती जाती है। तो वो बहुत सारे जो मौके हैं वो बच्चों को कविताएं देती हैं। तो कविताएं मतलब एक एक विषय तक सीमित ना होकर के कई सारी विषयों को भी जोड़ती है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में या और विषयों में भी देखें, गणित में भी प्राथमिक स्तर पर बहुत सारी कविताओं का समावेश किया गया है, और वो कविताएं जो है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मैं शायद एक विद्यार्थी के तौर पे उन चीज़ों को बहुत बाद में जा कर के समझा। लेकिन एक कविता है राजेश उत्साही जी की कि आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से से आई आई जी। जी अब होने को तो ये कविता है, लेकिन आपको ये कविता जो है कौन सी चीज़ कहाँ समझ से दूसरे देशों से आई, आई वो है, आपको समझाने के लिए, और बच्चे गीत गीत में गा करके सुन लेते हैं, समझ भी समझ लेते जाते हैं हैं। उसको। हाँ, समझ भी लेते हैं वो। तो ये एक बहुत अच्छा जुड़ाव जो है कविता का अन्य विषयों से भी देखा जाता है। आपके कोई ऐसे कोई उदाहरण हो जिसमें आपको, जैसे आपने एक साझा किया अंकुरों को लेकर, अंकुरण की प्रक्रिया पूरी की पूरी आपने उनके साथ बड़े धैर्य के साथ इतने दिनों तक तो काम किया। मुझे आपका एक काम और याद आ रहा है इस समय, सांस सांस में बांस पे जब आपने काम किया था बहुत लंबे समय तक, हाँ, बांस की पूरी पूरी प्रक्रिया की पूरी। पूरी चीज पे बात की थी हाँ, जिसमें वो आपने एक निबंध रचना जी थी। बिल्कुल। तो ऐसे उसमें स्थानीय भाषा भी जुड़ी रहती है, बच्चों की जबान पे रहती है, और वो खेल खेल में बच्चे सीख जाते सीख हैं। जाते हैं। तो अब एक और कविता हो जाए आपके मुँह से, मेरा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है जिसमें एक मजा। कविता बालगीत के रूप में अगर मैं बात करूं तो थोड़े दिनों पहले का अनुभव है म्यूजिक शिक्षक के साथ में, अच्छा दुर्गेश जहां हम जी के। बात करते हैं कि विषयों में कैसे तालमेल बनाया जाए, और हम कर सकते हैं चाहे तो मुझे अच्छा लगा। हम दोनों ने जब मिलकर काम किया तो कई सारी चीज़ें मैंने भी सीखी, रिदम मतलब गाना भी सीखा, और हमने मिलकर काम किया। हाँ, तो सिर्फ एक गाना गीत को मतलब गुनगुनाना, वैसे ही गाना उसमें लय के साथ लेके गाना, और उसमें हाँ अगर मान लीजिए कोई साज जुड़ जाए तो फिर हाँ कहने ही कहने क्या। ही क्या। तो जरूर हम आपसे सुनना चाहेंगे इस कविता को। तो हाँ, एक छोटी सी कविता है, ऐसा हल्की बहुत सारी है, बट जी उनमें से एक में थी। जब हम बात करें कि कक्षा एक के बच्चे हमारे पास आने वाले हैं, तो आई हवा गई हवा, आई हवा गई हवा, सर 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 चली हवा, आई हवा गई हवा, बागों में बगीचों में, बागों में बगीचों में फूल खिलाती चली हवा, आई हवा गई हवा, पतंग उड़ा पेच लड़ा, पतंग उड़ा पेच लड़ा, कटी पतंग ले चली हवा, कटी पतंग ले चली चली हवा। हवा, वाह आई हवा गई हवा। तो अच्छा लगा उनके साथ काम करके भी, और खास तौर से बच्चों के साथ भी। और बच्चे जहाँ हम बात कर रहे थे बहुत शुरुआत में कि जब रिपीटेशन होता है, शब्दों का दोहराव होता है, लय होती है, ताल होती है, तो बच्चों को आनंद आता है, वो जुड़ते हैं। कभी कभी ऐसे अनुभव भी आते हैं जब बच्चे नहीं जुड़ते हैं किसी कारण से, ऐसा नहीं कि हर बार भी जुड़ जाएंगे, तो चुनौतियाँ रहती हैं, है ना। पर कैसे उन चुनौतियों को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, तो उस पर विचार करना ज़रूरी है। और वो परिस्थितियाँ हर शिक्षक के सामने होती हैं, हम उससे अछूते नहीं हैं। बिल्कुल तो कैसे हर बार नया सोचें, कुछ करें, तो ये प्रयास रहते हैं। बच्चे भी कई बार हमें हमारे पास एक सीमित कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। हम जब कक्षा में काम करते हैं भाषा शिक्षण के दौरान, एक विशेष रूप से कविताओं में बात करते हैं, तो हमारे निश्चित कुछ एक्शंस होते हैं। लेकिन जैसे आप जैसे इस कविता को अभी गा रही थी आई आई हवा को, तो बच्चे निश्चित रूप से ऐसा करते हैं कि इन चीज़ों पर जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो अपने कुछ एक्शंस गढ़ बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ भी है कुलदीप जी, आप हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी हम जब, एक तो हम करवा रहे हैं, जी एक बार हम मौका देते हैं, चलिए आज मैं कुछ नहीं करूंगी, वाह आज मैं सिर्फ गाऊंगी, जी
चुनाव तो करना पड़ता है बच्चों के स्तर का, आज मैं सिर्फ चुनाऊंगी सुनाऊंगी, आप लोग एक्शन करेंगे और मैं देखूंगी आज, आप आनंद लूंगी मैं आपको देखने का। तो बच्चे करते हैं, जैसे मैंने ताती ताती एक चपाती, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बैठी हुई हूँ, तो फिर वो बोलते हैं, वो अपनी बोला करते हैं, ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुला दी, तो कोई बच्चा तो हम कहेंगे मोटा है ना वो, पर वो तो बिल्कुल जैसा मोटा लाला का पेट होता है वैसा का वैसा ऐसे। तो ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ झट से मैं तुझको खा जाऊं, कहे लोमड़ी ना 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 ये तू खाना ना, ऐसे कुछ था। तो हाँ, तो बच्चों को आनंद आ गया, मेरा थोड़ा निकल गया दिमाग से, बट इस तरीके की कोई कविता थी। तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ, देख पराठा आलू का मन ललचाया भालू का, बोला मैं भी खाऊंगा कुछ घर पर ले जाऊंगा, कहे लोमड़ी ना 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 ये घर पर ले जाना ना, इतने सेक ना पाऊंगी खुद भूखी रह जाऊंगी। तो कई कविताएं हैं, कुछ जहन में रहती हैं कुछ निकल भी जाती हैं। बिल्कुल, और कक्षा में काम करने के दौरान जब वो आती हैं और आपकी प्रस्तुति आपकी कक्षा में जो आपका जुड़ाव है आपका लगाव है वो साफ देखने को मिलता है जब कक्षा में आप जाती हैं नई नई कहानियों के साथ नई कविताओं के साथ। तो अभी समय तो नहीं है आपके साथ कहानियों पे बात करने का विशेष रूप से, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कक्षा में हमारे बच्चे एक सेंटेंस से शुरू करते हैं एक वाक्य से शुरू करते हैं और वो कहानी बढ़ती चली जाती है। कहानी निर्माण की प्रक्रिया जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आप कविताओं के दौरान भी इस तरीके की प्रक्रियाएं करती हैं जैसे आपने अभी बताया था गाय और चारे वाला, तो उस तरीके से उस कविता को आगे बढ़ाने पर उसके विस्तार पर काम किया जाता है। तो कविताओं पर आज की चर्चा के लिए हम चाहेंगे कि एक और कविता आपकी, एक दिन मुझसे बोली नानी, वो वाली वो आपके मुंह से सुनने की इच्छा हो, वो वाली या कुछ और? हम दो सुनेंगे। अच्छा दो सुनेंगे। जी बिल्कुल। तो लेकिन हमारी दर्शकों की विशेष मांग पर आप ये शुरू कीजिए। अच्छा जी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब एक शिक्षक के रूप में हम अपने आप को देखते हैं ना, तो बहुत सारा होता है मन में बताने के लिए, कई बार हम सहज होते हैं कई बार नहीं भी होते हैं, कई बार समय की भी पाबंदियां होती हैं जैसा कि है। तो हो सकता है अगले सेशन में कभी या कभी अगले सत्र में कभी हम कहानी पर कभी चित्रों पर बात कर रहे होंगे, पर अंतिम पड़ाव में मैं कविताओं से बच्चों की जो खास करें उनसे ही समाप्त करना चाहूँगी। एक तो जो आपने कही वो वाली, अच्छा वो तो है ही, वो तो है ही। अच्छा एक और, हाँ ठीक है। एक दिन बोली मुझसे नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी, एक खेत बिन जुता पड़ा था, ऊबड़ खाबड़ बहुत पड़ा था, कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर, हवा डराती धूप जलाती मिट्टी उसको खूब दबाती, मिट्टी की गोदी में रहकर सूरज की किरणों में पलकर, कहा बीज ने हाय अकेला पर ना डरूंगा भले अकेला। कुछ दिन बीते अंकुर फूटे कोमल कोमल पत्ते फूटे, बीज बन गया पौधा प्यारा हरा भरा लहराता न्यारा, पौधे से बड़ पेड़ कहाया दूर दूर तक फैली छाया, बस जितने भी बड़े बने हैं छोटे से बड़े बने हैं छोटे से बड़े बने हैं। ये अब एक आपकी पसंद की जो आपको पसंद है कविता, तो हम जब समापन की ओर जा रहे हैं तो एक बार निंदिया वाली कविता बाल गीत हो जाए, है ना। छुई मुई आजा निंदिया, चांदनी का झूला लेके आजा निंदिया, छुई मुई आजा निंदिया, चांदनी का झूला लेके आजा निंदिया, पापा भी सोए मम्मी भी सोए सोए भैया, मैं भी चुप चुप सोऊं गुड़िया, मैं भी चुप चुप सोऊं गुड़िया, तारों की बारात है चंदा मामा साथ है, तारों की बारात है चंदा मामा साथ है, देखो भैया मीठी मीठी बांसुरी बजाए परियां,
मीठी मीठी बांसुरी बजाए परियां, छुई मुई आजा निंदिया। थैंक तो यू। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, आज अपने समय को आपने बहुत अच्छे से हम सभी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया, और हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और निश्चित रूप से कविताओं पे जो आज बातचीत हुई है वो एक शिक्षक के तौर पर जरूर फायदेमंद होगी और लोगों के लिए, और हम आगे भी चर्चा करेंगे, और कहानियों पर आपकी जो कहानियों पर जो आपने काम किया उस पर भी हम आगे किसी समय पर आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।